आज का हमारा टॉपिक है लैप्टोस्पिरा इंट्रुगेंस। लैप्टोस्पिरा इंट्रुगेंस स्पिरोचाइट बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। इसकी जीनस जो स्पिरोचाइट्स है उसके अंदर जो स्पीसीज आती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लैप्टोस्पिरा इंट्रुगेंस। आज हम जानेंगे इसके बारे में कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। जब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की तो हम देखते हैं कि इसका जो शेप होता है वो स्पाइरल शेप का होता है। साथ ही साथ क्योंकि ये रॉड शेप के होते हैं, रॉड शेप में ग्रो करते हैं और उसी में क्या करते हैं, कॉइल बनाते जाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, टाइटली कॉइल्ड बोलते हैं। और साथ ही साथ सिलेंड्रिकल शेप होता है और स्पाइरल की तरह ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। देन हम जानते हैं कि सिंगल पाए जाते हैं और इनके अंदर क्या होता है, एंडोफ्लैगेला प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। देन हम देखते हैं कि कल्चरेबल है, इनको हम कल्चर कर सकते हैं। जैसे कि हम अदर इसके जो स्पिरोचेट्स की स्पीसीज रहते हैं उनके बारे में जानेंगे तो हम जानते हैं कि उनको कल्चर करना इतना ईजी नहीं होता, लेकिन इसको हम कल्चर कर सकते हैं वो भी ईजिली। देन हम देखते हैं जो इसके एंड्स होते हैं जो इस बैक्टीरिया के, वो हम देखते हैं काफ़ी कैसे होते हैं, एक हुक की तरह होते हैं, एक मुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी है। देन हम बात करते हैं अबाउट द सोर्सेज के बारे में कि जो लैप्टोस्पिरा एंट्रुगेंस है उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं सोर्सेज की तो हम देखते हैं जो एनिमल होते हैं उनकी जो कंटेमिनेटेड, अगर उनको कोई इन्फेक्शन है और उनका जो यूरिन है वो भी इन्फेक्टेड है तो यूरिन की वजह से हो सकता है ये पास आउट हो जाए। कैसे हो सकते हैं कि अगर फूड एंड वाटर जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, वो अगर इन्फेक्टेड एनिमल के यूरिन से क्या हुआ है, इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो कि क्या है, अगर ये यूरिन की कंटेमिनेटेड यूरिन की हेल्प से क्या हो चुका है, कंटेमिनेटेड हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है, तो ये क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम देखते हैं कि ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। सो फर्स्ट वन इज़ अगर ये कोई भी कट वगैरह है स्किन में और उस एब्रेशन के कॉन्टैक्ट में आ जाता है वो वाटर जो कि कंटेमिनेटेड है या फिर वो फूड जो कंटेमिनेटेड है, तो ये एंटर कर सकता है। सेकेंड हम देखते हैं कि अगर ये कंजक्टिवा के उसमें कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो भी क्या हो सकता है, ये हमारे अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है ये बैक्टीरिया। सेकेंड हम देखते हैं कि अगर ये बैक्टीरिया इंजेक्शन के थ्रू एंटर कर रहा है, हमारे ऑरल कैविटी से हमारे गट में जा रहा है, तो भी क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये तीन इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन थे। थर्ड हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिटी के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है। तो पहले हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है ये हमारे जो एब्रेशन वगैरह है, कट वगैरह है स्किन में, उसके थ्रू अगर कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो ये कुछ, क्योंकि ये स्पाइरल शेप के होते हैं, इनका जो मूवमेंट होता है वो कॉर्कस्क्रू की तरह होता है। जैसे हम एक स्क्रू की तरह हम देखते हैं स्क्रू एंटर करता है, उसकी तरह ये एंटर करते हैं हमारे स्किन के अंदर, सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर, और वहाँ पर ये एंटर करने के बाद हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं, और ब्लड में एंटर करने के बाद ये डिफरेंट बॉडीज़ में जाके, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में जाके क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। पैथोजेनेसिटी में हम देखते हैं कि ये लैप्टोस्पिरोसिस, जिसको हम बोले लैप्टोस्पायरोसिस कॉज करता है। लैप्टोस्पायरोसिस के कुछ और नाम भी हैं जिनको हम जान लेते हैं कि लोकली इनको क्या कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि इसको हम इन्फेक्शियस जॉइंटिस बोल सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि इसको मार्स फीवर बोल सकते हैं। मार्स फीवर को हम देखते हैं कि जैसे मलेरिया, सेम मलेरिया इज अ मार्स फीवर। देन हम देखते हैं कि इसको वीड डिसीज बोल सकते हैं, और वीड डिसीज के अलावा हम इसको बोल सकते हैं स्विंचर्ड डिसीज बोल सकते हैं। तो ये कुछ इसके लोकल नेम है जिसके द्वारा हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये सारी डिसीज कॉज करता है। देन हम देखते हैं कि इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स में हम देखते हैं जैसे कि फीवर आना, या फिर हम देख सकते हैं चिल्स आना, या फिर एक पर्सन को बहुत ज़्यादा फैटिक फील होना, हेडेक होना, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सारी ही सिम्टम क्या हो सकते हैं, लैप्टोस्पायरोसिस के द्वारा कॉज हो सकते हैं। देन हम देखते हैं इसको कुछ स्टेज वाइज क्या करता है, ये डिसीज कॉज करता है। स्टेज वाइज कैसे, फर्स्ट स्टेज में देखा जाता है कि इसके अंदर पहले शुरुआती दौर में फीवर देखा जाता है जो कि एक हफ्ते तक चलता है, एक हफ्ते बाद ये कम हो जाता है। सेकंड स्टेज में देखा जाता है कि जो ये बैक्टीरिया है ये ब्लड के अंदर एंटर कर चुका है, और ब्लड के अंदर एंटर करने पर क्या होता है, जो अनदर ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारा हेपेटिक हो गया या फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, इनके अंदर एंटर कर जाता है और डिसीज कॉज करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं जॉन्डिस कॉज कर रहा है, देन हम देखते हैं हेमरेज वगैरह कॉज कर रहा है अगर ऑर्गन वगैरह में है तो, एंड देन हम देखते हैं कि टिश्यू नेक्रोसिस, अगर टिश्यू वगैरह में है तो वहाँ पे नेक्रोसिस कॉज कर सकता है, मेनिनजाइटिस कॉज कर सकता है, असेप्टिक मेनिनजाइटिस कॉज कर सकता है, जो कि हम देखते हैं कि 3 हफ्तों तक या 3 वीक्स से ज़्यादा तक ये रह सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है, और उसके बाद देखते हैं कि कुछ सिम्टम्स साथ ही साथ कुछ सिस्टम्स को भी क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है अपने अंदर।
तो ये इसकी पैथोजेनेसिटी थी। देन हम बात करते हैं अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, जो भी ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जैसे कि जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, मेनिनजाइटिस कॉज कर रहा है, तो उसका सैंपल ले सकते हैं, ब्लड सैंपल ले सकते हैं अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो, साथ ही साथ CSF सैंपल ले सकते हैं। उसके अलावा हम यूरिन सैंपल ले सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्टेड यूरिन जो एनिमल्स का है उसके द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये कुछ हम सैंपल्स ले सकते हैं। देन हम देखते हैं कि अगर यूरिन का सैंपल ले रहे हैं हम किसी ह्यूमंस के अंदर से, तो हम सेकंड स्टेज में लेते हैं या सेकंड वीक में लेते हैं, और वहीं जब हम ब्लड का सैंपल लेते हैं तो फर्स्ट वीक में ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, जो डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी है वो हम कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो भी इसकी मॉर्फोलॉजी है कि ये स्पाइरल शेप का है, इसके अंदर एंडोफ्लैगेला प्रेजेंट है, इसकी मूवमेंट को, साथ ही साथ इसका इसकी जो भी ये क्या करता है, ये कल्चर जो कल्चरेबल है कि नहीं, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के थ्रू। सेकेंड हम देखते हैं कि कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं कि ये एरोबिक है, एरोबिक के साथ साथ हम देखते हैं कि ये माइक्रो एरोफिलिक है, यानी कि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इनको ग्रो करने के लिए। टेम्परेचर हम प्रोवाइड कराते हैं कि 25-30 degrees Celsius टेम्परेचर इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जिसमें ये ईजिली बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। और pH हम देखते हैं कि 7.2-7.5 इसका pH है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन है, तो इस कंडीशन में क्या कर पाता है, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाता है। देन हम बात करते हैं कुछ अदर मीडियम्स के बारे में जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टॉर्स और कॉर्च ऑफ मीडियम प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि रैबिट सीरम इनरिच्ड होता है, यानी उसके अंदर ऐड होता है, इसको हम ट्रांसमूट मीडिया भी बोल सकते हैं। ट्रांसमूट मीडिया जैसे हम यूज़ करते हैं बिल्कुल सेम वही है। देन हम देते हैं कि कोरियोएलेंटॉइक जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे हम देखते हैं जो चिक एम्ब्रियो होता है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कोरियोएलेंटॉइक मेम्ब्रेन, उसके अंदर भी इजीली ग्रो कर जाता है। देन हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू भी हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये क्या है, ये टेस्ट हम बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर यूज़ करते हैं। देन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, और इससे इजीली ट्रीट हो जाता है। आफ्टर डैट हम इसकी बात कर लेते हैं फिर डायग्राम के बारे में। तो हमने देखा ये टाइटली कॉइल शेप में है, इसके अंदर जो ब्लू डॉट लाइन है दैट्स द एंडोफ्लैगेला इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये टाइटली कॉइल्ड है। तो आज हमने क्या बात किया, आज हमने बात किया लेप्टोस्पिरो एंटेरोगंस के बारे में, और इसकी मॉर्फोलॉजी को देखा कि ये टाइटली कॉइल्ड है, साथ ही साथ स्पाइरल शेप में है, और ये एक कॉर्कस्क्रू की तरह क्या करता है, मूवमेंट करता है, मोटिलिटी इसकी पाई जाती है। इसके अंदर हमारे सोर्सेज क्या क्या थे इसके, जो भी इन्फेक्टेड एनिमल है उनका जो यूरिन है वो इसका सोर्स हो सकता है, और ये अगर फूड और वाटर के कॉन्टैक्ट में आए तो वो भी क्या हो सकते हैं, इसके एक सोर्स बन सकते हैं, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखा कि ये इनहेलेशन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, साथ ही साथ हमने देखा कि अगर एब्रेशन वगैरह के कांटेक्ट में आ रहा है तो उससे भी क्या कर सकता है, बॉडी के अंदर टिश्यूज के अंदर एंटर करके ब्लड के अंदर जा सकता है और डिसीज कॉज कर सकता है, जिसको हम बोल रहे थे लेप्टोस्पायरोसिस। ओके, तो ये था हमारा लेप्टोस्पायरा एंटेरोगंस। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।